ये वही नगन तिवारी है ना जिसका दादा हमारी दादी को बहला फुसला कर गन्ने के खेत में ले जाता था और डॉक्टर डॉक्टर कहता था। मिश्रा खानदान के बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाते आए हैं कि अगर कहीं तिवारी खानदान का कोई आदमी मिल जाए तो पहले तिवारी खानदान को कुचल दो। और तिवारी खानदान के बुजुर्गों ने भी अपने बच्चों को यही नसीहत दी है कि माँ से मिश्रा और माँ से मानिया। तुम तिवारी खानदान की हो और हम तुम्हारा रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में करेंगे। मैंने लड़का ढूंढ लिया है। किस खानदान से है लौंडा लड़का? लड़का तो बहुत ही ऊंचे खानदान से है भैया। तो हमारी उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाइए। भैया इनसे मिलिए। ये मिश्रा खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन मनमोहन कच्चा बनियान तिवारी। हरिया के बच्चे, तुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये लड़की मिली थी हमारे दुश्मनों की। तुमको मनमोहन तिवारी के दिल में मोहब्बत जगानी है और तुमको विभूति नारायण मिश्रा के दिल में मोहब्बत जगानी है। ये कैसे पॉसिबल होगा? मेरे पास एक आइडिया है। काहे कि उनको पता चल जाएगा तो मार देंगे तुमको। हम दोनों को अलग दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अंगूरे भैया आ गए। बाथरूम में क्या? दुश्मन खानदान के लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने के? आवाज ये सरकार, इसे खदेड़ के हमारे घर से बाहर निकाल दो। ये क्या कर रही हो? मैंने देख लिया है दुश्मन खानदान की लड़की हमारे यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दिलावर जी सरकार, ये लड़की धोखे से हमारे घर में घुस आई है, इसको इसी वक्त घर से बाहर फेंको। हम तो यहाँ प्यार बांटने आए थे भैया। तिवारी खानदान सिवाय धोखे के फरेब के कुछ नहीं बांट सकता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। ई बार जो है बैल और तुम अगर पानी में अपना शादी का सालगिरह मनाओगे तो संतान सुख का प्राप्ति होगा और तुम्हारा गोद भर जाएगा। बिटिया क्या बात करी है? यदि वो पानी के जहाज पर गई और माँ बनी तो तू टें बोल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस जन्म तू टें बोल जाएगा और अगला जन्म तू उसकी कोख से मुन्ना बन के जन्म लेगा। चलो अब इतनी यही वो रास्ता है जिससे वो मोटेलो तिवारी जी और भाभी जी को क्रूज की टिकट्स देने के लिए निकलेगी, लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। सेठ जी, जब बड़े बड़े लोग शिप पे आवे हैं तो फिर आप जैसे नल्ले कैसे घुसाए? कौन गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ा बताओ हमें? कुछ लुका लुका करके कोई नाम बता रहा था। वो शादीशुदा औरतों से दूर रहता है जिनके पति इज्जतदार और शरीफ होते हैं। लेकिन हमारा तो कोई पति ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम तिवारी जी को पकड़ लो। डार्लिंग तुम हमारे शौहर हो ना। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे सुनो पगली, लुका ब्रासी के साथ ये क्या लुका छिपी खेल रही हो बेबी? हमारे साथ आओ, हम तुमसे एक जरूरी बात करेंगे। आओ। ये कौन से एंगल से तुम्हारे पति है लुका ब्रासी? हाय 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 भैया, अब पता चला इस एंगल से। एक्चुअली ना सलमान कानपुर में आए हुए अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अगर विभू मेरे पास उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर आ जाएगा ना तो बस उसके बाद ना मैं इसको एमडी बना दूंगी। करना क्या है? आप अतुल जी को बोलिए कि सलमान खान के साथ मेरा इंटरव्यू करा। अरे अड़ा जाता। शाम को हमारे ब्रांड की बोतल और कुछ वो पनीर के पकौड़े वगैरह लेके आइए। हमारे पुराने जूते वहां पड़े हैं, तनिक पॉलिश कर दो। अच्छा श्योर, व्हाई नॉट। थोड़ा अच्छे से चमकाइएगा ताकि जूते में आज चेहरा नजर आए। अरे भैया सौरव स्टूडियो छान मारो, सलमान खान कहीं ना दिखाई दियो। भाई स्टूडियो में होगा और कहाँ जाएगा यार। अबे अपनी मोटी उंगली हटा, ये देख, ये सलमान खान इधर है, इधर है। साला सेठ जी, सलमान खान दरवाजे पे लिखा है। यही है।
ठीक है, दरवाजा खटखटा। सॉरी भैया इस बार नहीं, मैं दरवाजा ना खटखटाऊंगा, सॉरी। कोई तो खटखटाओ ना यार दरवाजा। भैया जाने का बात है कि मैं खटखटा देता हूँ, पीछे को लिटिल लो भैया जा। चल नॉक करना। क्या रे बहुत चर्बी चढ़ी लेके तुमको? सॉरी भाई साहब, दरअसल हम लोग सलमान खान को ढूंढ रहे हैं। हाँ तो बोल, मैं सलमान खान हूँ, क्या काम है? सलमान खान है? हाँ सलमान खान हूँ, बोल। आप सलमान खान हो? हाँ। भैया जी आप सलमान खान है गए? आप सलमान खान हो? अरे भैया भैया ये सचमुच में सलमान खान है भैया, उनका इतने भारी गेटअप रख रखो है ना, इतने भारी वालों मेकअप कर रखो है भैया, इस मस्त भी सलमान खान भैया पक्का, यू अंगूठे से जो भी कर रहे हो तो यू। हाँ हाँ भैया सलमान ही है, सलमान ही है, सलमान ही है। तीनों ना बहुत बड़े भैया, समझ गए सलमान खान इसी स्टूडियो में होगा, कहाँ जाएगा? कम ऑन कम इधर। हाँ देखो यार भैया है ना, कहीं भी कुछ भी बोलते तो उठ पटांगे यार, मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कान टॉयलेट यार। यार शांत रह, तेरा गुस्सा खराब है, पहले भी तो तीन चार बार पिट चुका है। सही कह रहा है तू, ये करते कितना प्रमोशन यार, और पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया कि 5 तारीख को 5 जून अच्छी बात है ना। अरे लेकिन अब पक जाएंगे फैंस। सर सलमान सर, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है सर, इफ यू डोंट माइंड। कैसे पता चला कि मेरे घुटने में दर्द है? सर इंट्यूशन सर, टेलीपैथी सर, अगर आप कहें तो मैं दवा देता हूँ सर। थैंक यू। लेकिन आप मुझे इंटरव्यू देंगे ना सर? डू यू माइंड? नो नो आई डोंट माइंड, फीलिंग वेरी गुड। माइंड ऑफिसर हियर? ऑफ कोर्स। प्लीज प्लीज सर। मैम जितनी हसीन आप हैं उतनी हसीन आपकी तहजीब भी है। थैंक यू सो मच। वो ना मुझे पहली बार एक जर्नलिस्ट का जॉब मिला है तो और मेरे जॉब है। हाँ हाँ है जॉब, है जॉब, है जर्नलिस्ट। डेफिनेटली सर, क्या है कि जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है उन्होंने कहा है कि अगर मैं आपका इंटरव्यू लेके आऊंगा ना सर तो मुझे वो कंपनी के एमडी बना देंगे सर। तो मुझे कौन सी आपकी? हाँ सर कंपनी है सर, अभी नई कंपनी। गुड कंपनी बैड कंपनी? It's a good company, sir. Congratulations. Thank you. ये पहला जॉब है आपका? नहीं सर, ये 20वां जॉब है मेरा। 20वां जॉब? जी सर। जॉब जॉब बदलते रहते हैं। सलमान सर, मेरी बॉडी भी ना आपकी जैसी बन जाए। अच्छा अच्छा, तगड़ा तगड़ा मीठा खाओ, ढेर सारे चावल खाओ। ऐसे करने से मतलब मेरे भी सिक्स पैक है जाएंगे आपकी जैसे? सबसे आसान तरीका और मजेदार तरीका यही है। सर मेरी बड़ी एक पुरानी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ एक फिल्म करूँ सर। पहले बोला होता भारत में ही आपको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक एक्टर उसका नाम आसिफ शेख है, हमारी पिक्चर में उसने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है और बहुत ही अच्छा काम किया है, वो आपको एनी वी कुड हैव रिप्लेस्ड हिम। सर जी उस आदमी का पता चल गया है जो आपकी मौसी को भगा ले गया था। नाम बताबा धी के लठ को जो ने हमारी मौसी भगाई थी कई साल पहले। सर जी अवधेश नाम की एक औरत है, उनकी दो बेटियां हैं राजेश और बिमलेश, और अवधेश का भाई वो शैतान है जो आपकी मौसी को भगा ले गया था, उसका नाम है प्रकाश छजूरिया। छोड़ भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती, वैदेही को इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। बापू बीमार है, उनके इलाज करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए भाई।
कोई बड़ा आदमी लग रहा है, अबे सब में खाना बढ़ रहा है, ये तो इसका पाप है। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा चार अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक।